नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में। दोस्तों, हमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि हमें इनवॉइस पे टैक्स लगाना है आइटम पर नहीं। वहीं कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हम आइटम पर टैक्स लगाना चाहते हैं, इनवॉइस पर नहीं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स और आइटम वाइज टैक्स में डिफरेंस क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले व्यापार ओपन करें। अब लेफ्ट मेन्यू में सेटिंग्स ऑप्शन में जाएं। यहाँ आपको ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में जाना होगा, जहाँ आपको मिलेगा ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स का ऑप्शन, उसे ऑन कर दें। तो आपको एक वार्निंग विंडो दिखाई देगा जो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आप टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं, और क्योंकि आपने आइटम वाइज टैक्स को ऑन किया हुआ है तो आपको ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स ऑन नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये एरर आपको तभी दिखेगा अगर आपने पहले से ही आइटम वाइज टैक्स ऑन किया हुआ है। अगर नहीं तो ये एरर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ ट्रांजैक्शन के फाइनल और टोटल अमाउंट पे ही टैक्स लगाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ओके कर दें। यानी कि अगर आपके सभी आइटम्स पर सिंगल टैक्स रेट अप्लाई होता है तो आप ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद आइटम सेटिंग्स में जाकर आपको आइटम वाइज टैक्स को इस तरह से ऑफ करना होगा। चलिए अब देखते हैं कि इनवॉइस में ये काम कैसे करता है। अब हम एक नया सेल इनवॉइस क्रिएट करेंगे। डिटेल्स एंटर करने के बाद आइटम्स को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं आइटम लाइन में टैक्स का कॉलम मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे हर आइटम पर टैक्स रेट सेम है और इसीलिए हमने ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स को ऑन किया था। और अगर आप नीचे देखें तो टोटल अमाउंट के पास आपको टैक्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ आपको टैक्स रेट सेलेक्ट करना होगा, उसके बेसिस पे आपको टैक्स अमाउंट भी शो हो जाएगा। तो इस तरह आप ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स अप्लाई कर इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ईच आइटम का टैक्स रेट अलग होता है तो फिर आपको आइटम वाइज टैक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा, और उसके लिए आप ट्रांजैक्शन सेटिंग से ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स ऑप्शन को ऑफ कर दें और आइटम सेटिंग से आइटम वाइज टैक्स को ऑन कर दें। चलिए अब देखते हैं कि इनवॉइस में ये काम कैसे करता है। इसके लिए एक नया सेल इनवॉइस क्रिएट करेंगे। डिटेल्स एंटर करने के बाद आइटम्स को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं आइटम लाइन में टैक्स का कॉलम भी मौजूद है, क्योंकि हमारे हर आइटम पर टैक्स रेट अलग है और इसलिए हमने आइटम वाइज टैक्स को ऑन किया था। और अगर आप नीचे देखें तो टोटल अमाउंट के पास हमें कोई टैक्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह आप आइटम वाइज टैक्स अप्लाई कर इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक टाइम पर ट्रांजैक्शन वाइज टैक्स या आइटम वाइज टैक्स में से किसी एक ऑप्शन को ही ऑन रखें, क्योंकि अगर आपने दोनों को ऑन रखा तो आपके इनवॉइस की कैलकुलेशन गलत हो सकती है, क्योंकि आप टैक्स के ऊपर टैक्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये थी जानकारी डेस्कटॉप के बारे में। अगर आप इसका मोबाइल वर्जन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें और देखें कि मोबाइल में ये कैसे काम करता है। ऐसे ही अन्य ट्यूटोरियल वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको व्यापार से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या WhatsApp भी कर सकते हैं। हमें संपर्क करने की जानकारी स्क्रीन पर मौजूद है। व्यापार इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।